चलिए यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, क्या कुछ वहां पर हो रहा है आइए सुनते हैं। आरा ने इसके लिए सेबी से अनुमति नहीं ली। सेबी के तत्कालिक बोर्ड मेंबर डॉक्टर केएम अब्राहम ने जांच पूरी की, उन्हें पता चला सहारा के कई निवेशक फर्जी थे और बाकियों के कंपनी से दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। आसान भाषा में ये कहे कि सहारा ने इन दोनों कंपनियों के जरिए लोगों के पैसे लिए, साथ ही कहा वो इस पैसे के देश के अलग अलग शहरों में टाउनशिप बनाएगा, लेकिन सहारा ने ना टाउनशिप बनाए ना लोगों के पैसे वापस किए। 2009 में सहारा ग्रुप की एक कंपनी शेयर मार्केट में जाने की इच्छा से मामला, ये बताइए इसका राज्य सरकार से क्या संबंध है? आप जो विषय उठा रहे हैं यहाँ इस आदरणीय, ये चूंकि उत्तर प्रदेश के लोगों का मामला है, सहारा इंडिया और पल्स में लाखों करोड़ों रुपए फंसे हैं, लाखों करोड़ों निवेशकों के, और लोग परेशान हैं, गरीबों ने अपना पैसा एक एक रुपया जमा किया। आपका विषय आ गया, सेबी कहती है कोर्ट में है, कोर्ट कहता है सेबी में है, और इस नाते लोगों का पैसा मिल नहीं पा रहा है। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार इसे संज्ञान में ले और सहारा और पल्स का जो पैसा, करोड़ों लोगों का पैसा जो फंसा है, अब हो गया, बोलिए, लोगों को मिले, यही मेरी आपसे आग्रह है। बहुत सुंदर माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको अपना विषय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनुपूरक और लेखानुदान पेश किया उस पर अपनी बात रखने के लिए आपने आज्ञा दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां अपना भाषण दिया, जिसको प्रवचन कहिए, भाषण कहिए, उपदेश कहिए, चले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जो वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया उस पर एक शब्द कहीं से भी मुख्यमंत्री जी ने बातें नहीं की, केवल लठमार भाषा में बोलते रहे, अनुसंसदीय असंसदीय परंपराओं को यहां उन्होंने रखा, लेकिन बजट पर कुछ नहीं बोला। अनुपूरक द्वितीय वर्ष 2021-22 का बजट जो भाषण इन्होंने बांटा तो नहीं, माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी चलाकी से काम किया, लेकिन इनका बजट 21-22 की धनराशि कुल 5,55,270,78,00,000 है। प्रथम अनुपूरक जो 21-22 में इन्होंने लिया है 7,301,06,158,00,000, द्वितीय अनुपूरक जो इन्होंने लिया है